हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी मैं सो के उठ गई हूँ और उठते से मम्मी ने मुझे काम बता दिया, इसलिए मैं ऐसे तैयार हूँ, मतलब ऐसे स्कार्फ बांध के। और ये हाथ में टेप है, वो गाड़ी के हैंडल में लगाना है। और यहाँ मम्मी मेरे को सामान बता रही है क्या क्या लाना है। अंडे लाना है गाड़ी के हैंडल में, क्यों लगा रही? उसमें उस दिन गोबर लग गया था, वैसे तो उसको धो दिया पर ना ऐसे अच्छा नहीं लग रहा चूने में, तो उसमें ऐसे टेप लगा देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो एक डजन अंडे ला लेना, ठीक है ना? और तो कुछ लाना नहीं है, फिर अपन चलेंगे तो देखेंगे, फिर वहीं से ला लेंगे। तो गई छोटू अभी कॉलेज, स्कूल ही बोलने वाली थी मैं, अगले कॉलेज साल जा। स्कूल जाएगी, अभी 2 साल और स्कूल जाएगी। हाँ यार छोटू तो जॉब पे भी जाएगी तो उसे बोल दूंगी कॉलेज जा रही है। हाँ वही तो, पता नहीं ऐसे लगता नहीं कि छोटू कॉलेज जा रही है। छोटू अभी कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बैग आज बैग वैग सब तैयार है। आज गौरी आने वाली है, छोटू की फ्रेंड है गौरी, तो 2 दिन वो आती है 2 दिन ये जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ गाड़ी में जाते हैं। बहुत ठंडा है छोटू, और ये भी आज इतने लेट 8 बजे सो के उठ के आए हैं, उठे और अभी चाय पिए बस। गाइस मैंने अंडे तो ला लिए हैं, अब मम्मी उनको धो रही है। और अभी यहाँ ना बर्तन रखे तो मैं बर्तन जमाती हूँ बैठ के। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा शॉपिंग करना है हमको, तो हम लोग जा अभी। ये देख, इसको मैंने थोड़ी देर पहले लिस्ट बनाई थी इसने मोबाइल में, और इसने डिलीट कर दी है ना, भेजी नहीं इसने। अब फिर से पूरे नाम, अब मैं एक हाथ सामान फिर भूल जाऊंगी। ताई तुम भी क्या करती हो? और अभी छोटू कॉलेज से आई है और डोरी तो सो रहा है, मैं बताती हम लोग जा रहे हैं, फिर मार्केट भी बताऊंगी आपको मैं, अभी छोटू का बताती। ताई तार लाना है, मिर्ची लाना है, ये डोरी सो रहा है इधर, और इधर छोटू बैठ के मोबाइल चला रही। तुम ना सही में यार बहुत गड़बड़ करती हो। पन्नी लेना है, पन्नी लेना है, और क्या लेना था, एक और तिल्ली, तिल्ली लेना है, जीरा लेना है, जीरा लेना है। तुम ना नाटक करी, टाइम पास कर रही यार, जब तक बाल सुखा लेती मैं। गाइस अभी ताई तैयार हो गई, हेलमेट हेलमेट पहन के, बिल्कुल नहीं जा रहा मेरा जूड़ा इनका जूड़े का प्रॉब्लम हो रहा। तो गाइस अभी हम लोग ना ओंकार नगर चौक पे खड़े हैं, बिल्कुल सिग्नल में, भीड़ भाड़ तो बहुत है यहाँ पे। अभी जाना तो हमको कहाँ है, महल तरफ से जाएंगे, है ना ताई, महल तरफ से जाएंगे। निकल गए भैया, मिल गया मौका निकलने का। तो गाइस ये ताई ना अपने मोबाइल में क्या लगवा रही, स्क्रीन, स्क्रीन लगवा रही, इसकी स्क्रीन टूट गई है, ग्लास। हाँ स्क्रीन ग्लास है ना ताई वो, हाँ पता नहीं कैसे है, हाँ मिल रहा क्या साइज का? अच्छा है कि नहीं, कितने का है? लगवा लिया और मैंने भी लगवा लिया अपने इस पे स्क्रीन गार्ड, है ना, अभी 30-30 रुपए में अच्छा हो गया। 8 दिन भी, 1-2 महीने भी चला तो ठीक, सामने रखो ना। अरे भाई रख रख के टूट रहा है तुम भी यार। तो गाइस अभी हम लोग महल के एरिया में आ गए हैं, तो महल में ये गडकरी साहब का इतना बड़ा बंगला बन रहा है, बंगला बोले नहीं कितने, 10 फ्लोर का फ्लैट जैसा बन रहा है पूरा। यहाँ पहले उनका बाड़ा था पूरा, यहीं पे रहते थे वो गडकरी जी, जो अपने रोड मंत्री है ना वो, तो वो अभी यहाँ उनका घर बन रहा है। इधर पूरा मार्केट एरिया है उनके घर के पास में, महल बोलते हैं इसको, महल का मार्केट है ये। ये एरिया में ना पूजा, पूरा पूजा का सामान मिलता है, देवी जी गणेश जी सब मिलते हैं, और यहाँ पे सब वही सामान मिलता है। छोटी सी गली है लेकिन बहुत सारा सामान मिलता है वहाँ पे। हम इतवारी मार्केट में घुस गए हैं, पूरा चारों तरफ इधर, दोनों तरफ इधर दुकान ही दुकान है, कपड़े की ये सारी चीजों की है, पर ज्यादातर कपड़ों की दुकान है यहाँ पे। तो गाइस ये नंगा पुतला चौक पे आ गए अभी हम लोग होलसेल मार्केट में। पूरा यहाँ भीड़ देखिए कितनी है, यहाँ पे लोगों को निकलने नहीं देते एक दूसरे में, सिग्नल तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सिग्नल का रोल तो सब इधर उधर घुस घुस के जाम कर देते हैं। तो गाइस अभी ना मम्मी को आंवले लेने थे, हम लोग ना वो घर में आंवले का आंवला सुपारी वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए मम्मी को आंवले लेने थे, तो अभी मम्मी आंवले ले रही है यहाँ। गाइस मम्मी ने ले लिए आंवले और अब मम्मी आ रही है, अब हम लोग दूसरा सामान लेने जाएंगे। गाइस हम लोग जाम में फंस गए, मैंने पन्नी तो ले ली वो दुकान से, लेकिन वो ना
अभी मुड़ना मुश्किल हो रहा हमको यहाँ से, क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ। ये इतवारी की गलियों में ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। मम्मी कुछ पूछ रही है, शायद अंजीर ले रही है कि रेट पूछ रही है, पता नहीं। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, आगे तो मैं जा ही नहीं सकती, मम्मी जाएगी। गुड़ भी ले रही है मम्मी, और क्या क्या सामान ले रही है। लिया क्या गाइस? अब मम्मी ने पूरा सामान ले लिया, और अंकल मिला के दे रहे हैं, और इधर हम लोग यहाँ पे डालते जा। तो गाइस अभी हम लोग ने ना सारा सामान तो ले लिया, बस अभी हमको मिर्ची पाउडर लेना है, तो वो आगे जाते वहाँ से ले लेते। लेकिन यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा है कि परेशान हो गए हम लोग तो, ऐसे लग रहा कहाँ आ गए। वैसे यार शनिवार को आना नहीं चाहिए था ही। तो गाइस अभी हमने ये चक्की से यहाँ पे मिर्ची पाउडर भी ले लिया, अभी हमारा सारा लेना हो गया। इतना सारा सामान ले लिया हमने, डिक्की भी भर गई हमारी, अब हम लोग घर जा रहे। रास्ते में वैसे कुछ लेना तो नहीं है ना ताई? हाँ नहीं, तो अभी हम लोग सीधे घर जा रहे। तो ना रास्ते में पापड़ वगैरह वाली दुकान दिख गई, तो हमको ना यहाँ से जो आलू के पापड़ मिलते एकदम घर के बने हुए, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से मम्मी अभी कुछ ले रही है, वही पापड़ वगैरह। देखो यहाँ पे कितनी अलग वाली, कितनी कलरफुल चीज़ है ये। इस मम्मी ने पापड़ ले लिया, अब हम लोग चलते हैं सीधा घर। गाइस अभी हम लोग पहुँच गए घर, लेकिन कितना भारी है मम्मी ले ले यार, 2-4 किलो का तो बूढ़ी है। जा रही हो? किसके साथ जा रही? बाय यार, घूमने जा रही हूँ, जाया करो भैया, घूमा फिरा करो। अच्छा है थोड़ा सा। कब तक आ जाओगी? आ जाना आराम से। बाय। हेलमेट तो लगाना ही पड़ेगा, वहां तक मत लगाओ। मम्मी आटा गला रही है, बहुत सारा गला रही है, पता नहीं क्यों। बोलते सुबह का भी एक साथ हो जाएगा। नहीं, सुबह तो दाल बाटी। तो उसके लिए भी तो आटा चाहिए। बहुत दुख रहा मेरा। हाँ मम्मी का बहुत से दुख रहा है, तो मम्मी को कॉफी बना के दे रहे हैं हम। और आज मम्मी और ताई इतवारी गए थे, तो उन्होंने बहुत सारे सामान लाए थे, उसमें से ये भी है, आंवले इतने सारे लाए हैं, फिर और भी सामान मेरे को दिखाते हैं। देखो बहुत सारे सामान लाए इन लोगों ने। अभी बस कॉफी तैयार होगी, फिर मम्मी को देंगे, फिर मम्मी के साथ दुखना बंद हो जाएंगे। तो गाइस अभी हो चुकी है रात, और अभी पापा भी हो चुके हैं, और अभी मम्मी अभी देखिए मौसम भी खा रही है, तो अभी ब्लॉग को करते हैं। तो अगर गाइस आज आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है, तो ब्लॉग को जो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और गाइस एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दो। तो बाय।